राधे राधे मित्रों, मैं ज्योति सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कान्हा लेडीज केयर में। मित्रों, फ़िलहाल अक्टूबर का महीना है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंड। ऐसा मौसम बेबी को मसाज देने के लिए परफेक्ट होता है। अपने इस वीडियो में मैं आपको बेबी मसाज से रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बेबी मसाज पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है, पर ये कितना सही, कितना गलत और कितना ज़रूरी है आपके बेबी के लिए, चलिए ये जान लेते हैं। मसाज करने के साथ आपको कुछ चीज़ों का केयर करना चाहिए, क्योंकि मसाज करने का गलत तरीका आपके बेबी के हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। न्यू बॉर्न बेबीज़ का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होता है, इसलिए अपने बेबी को रेगुलर आपको नहलाना चाहिए। ज़्यादा ठंड पड़े तो गुनगुने पानी से बॉडी को साफ करके साफ कपड़े पहनाना चाहिए। मसाज के लिए ऐसा बेबी ऑयल सेलेक्ट करना चाहिए जो आपकी बेबी के स्किन को सूट करे। आपको अपने बेबी का मसाज दिन के टाइम करना चाहिए। मसाज से 20 से 30 मिनट पहले उसे दूध पिला देना चाहिए, ताकि उसका पेट भरा रहे और वो मसाज के टाइम वोमिट भी ना करे। मसाज के लिए ज़मीन पर चटाई बिछाकर, आप कोई कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अपने बेबी को सुलाकर मसाज करें, या फिर आप अपने पैरों पर कपड़ा बिछाकर भी मसाज कर सकती हैं। मसाज करते टाइम इस बात का केयर ज़रूर करें कि मसाज हल्के हाथों से करना चाहिए। बेबी की बॉडी को ज़्यादा रब न करें, क्योंकि इससे बेबी चिड़चिड़ा हो सकता है और उसकी स्किन छिल सकती है। मसाज करते हुए ध्यान रखें कि तेल या लोशन आपके बेबी के मुंह, नाक या फिर आँख में न पहुँचे। बेबी का मसाज करने के लिए तेल को हल्का गुनगुना कर लें, तब उससे बेबी का मसाज करें। बेबी को मसाज करने के तुरंत बाद नहीं नहलाना चाहिए, क्योंकि मालिश करने के बाद बच्चों की बॉडी गर्म हो जाती है और तुरंत नहलाने के बाद बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बेबी को मालिश के 30 से 45 मिनट बाद ही नहलाएं। बेबी के नहाने का पानी हल्का गुनगुना रखें। बेबी मसाज को लेकर ये एक मिथ है कि इससे बच्चे के बोन्स स्ट्रांग होते हैं और बिना मसाज उनका सही ग्रोथ नहीं होता, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ बच्चे बिना मसाज के भी रहते हैं, या यूँ समझिए कि कुछ बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उन्हें कोई भी मसाज ऑयल, क्रीम, लोशन सूट नहीं करता। ऐसे में उनका बॉडी मसाज कंटिन्यू नहीं रह पाता और उन्हें बिना मसाज रहना पड़ता है। मेरी बेटी का स्किन भी बहुत ही सेंसिटिव था और मसाज करने पर उसकी पूरी बॉडी में बड़े बड़े दाने निकल आते थे, इसलिए उसे डॉक्टर ने मसाज करने से मना कर दिया। साथ ही ये भी बताया कि मसाज करना ज़रूरी नहीं, बिना मसाज के भी बच्चों का ग्रोथ अच्छे से होता है। मसाज से बच्चों की बॉडी को और मसल्स को रिलैक्स मिलता है, न कि उनका रिलेशन बच्चों की बोन्स के स्ट्रॉन्ग और वीक होने से है। इसके अलावा अगर आपका बेबी बीमार है तो भी आपको मसाज नहीं करना चाहिए, या फिर मसाज करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स बीमारी में बच्चों की मालिश करने से मना करते हैं। अगर आप ऑनलाइन बेबी मसाज ऑयल खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप चाहें तो अपने बेबी के लिए मसाज ऑयल वहाँ से खरीद सकते हैं। मित्रों, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलें। धन्यवाद।